बराए रास्त आपको लिए चलते हैं। क्रिकेटर अजहर अली ने रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, इस वक्त वो अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ऑन माय इन माय करियर और आई थिंक उसके अलावा यू नो आई लॉस फॉर यू वर्ड्स बट आई ट्राई एंड कंटिन्यू। फिर मेरे कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मेरे अर्ली इन माय करियर जिनका मैं नाम लेना ज़रूर समझता हूँ कि हम अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि उनका नाम मैं ज़रूर मेंशन करूँ। मेरे क्लब के प्रेसिडेंट नवाब मंसूर हयात खान, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अफजाल भट्ट साहब, सऊद खान साहब, अख्तर मुमताज भट्ट साहब, जब मैं एज ग्रुप में खेल रहा था तो आई थिंक ये बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने, आज तक मैं उन यादों को साथ लेके चलता हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरी तरबियत की वो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त थी, आज तक उनकी बताई हुई चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि कंटिन्यू रखूँ। उसके अलावा आई थिंक डोमेस्टिक लेवल पे मेरे जो टीममेट्स रहे हैं जो बड़े टफ टाइम में मेरे साथ रहे, मेरे काम आए, वो उन सब का बहुत शुक्रिया। उनका नाम लेना स्टार्ट करूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट है, क्योंकि मैं इंजरी का शिकार रहा पीछे 4-5 साल। तो स्पेशल मेंशन टू डॉक्टर ज़ैफ एंड जावेद मुगल के, विदाउट देयर सपोर्ट और उनकी जितनी उन्होंने मुझे नॉलेज मेरी इंजरी के बारे में दिया, अगर मैं शायद ना देते तो मैं इतना कंटिन्यू ना कर सकता। उसके बाद ऑल इम्पोर्टेंटली जो फैंस हैं, बहुत प्यार मिला मुझे क्रिकेट की वजह से और बड़ी रीजंस की वजह से, तो बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम फैंस का। उनसे दरख्वास्त है इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को, इसी तरह यंगस्टर्स को, सबको सपोर्ट करते रहें। मीडिया का शुक्रिया, जितने लोग आई थिंक के मीडिया का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है तो उनका बहुत शुक्रिया। ऑब्वियसली आपकी हर जो है ना इवन क्रिटिसिज्म से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप लोगों की सपोर्ट भी बहुत रही मेरे करियर में। सबसे इम्पोर्टेंटली फैमिली मेरी, क्योंकि फैमिली ही सबसे बड़ा आपके पीछे सपोर्ट होती है आपके, तो मेरे भाई सारे, मेरी बहन, उसके अलावा मेरे यू नो मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, बड़ा सेक्रीफाइस किया उन्होंने इस करियर के लिए और अब उम्मीद है कि उनको काफ़ी टाइम दे सकूँगा इंशाल्लाह।